क्वेश्चन है, द पोजिशंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल पोजिशंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पोजिशंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन हियर are shown here group 16 or group 17 group 16 or group 17 okay ग्रुप 16, इसका कुछ भी नहीं दे रखा है, डैश 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 और यहाँ पर लास्ट में लिखा बी, फिर दे रखा है डैश ए डैश सी। तो तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, उन ए बी और सी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है वो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, कितना दे रखा है तो ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप 16 दिमाग में आते ही ये समझ में आ जाता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, बिल्कुल ठीक। ग्रुप 17 जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज तो एक चीज तो ये आ गई हमारे दिमाग में। ठीक है, अब जरा देखते हैं ए पार्ट में ये पूछ रहे हैं, स्टेट वेदर कैपिटल ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। वर्टिकल ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। स्टेट वेदर कैपिटल ए इज अ मेटल, कैपिटल ए इज अ मेटल और नॉन मेटल, स्टेट वेदर कैपिटल ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। अभी बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर बी पार्ट। स्टेट वेदर कैपिटल सी इज मोर रिएक्टिव, स्टेट वेदर कैपिटल सी इज स्टेट वेदर कैपिटल सी इज मोर रिएक्टिव, स्टेट वेदर कैपिटल सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन कैपिटल ए, इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन कैपिटल ए, ये हो गया। सी पार्ट, विल कैपिटल सी बी लार्जर, विल कैपिटल सी बी लार्जर और विल कैपिटल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन कैपिटल बी, इन साइज then capital B, question mark, or D part of which type of iron comma cation
और एनायन विल बी फॉर्मड बाय एलिमेंट कैपिटल ए, विल बी फॉर्मड बाय एलिमेंट कैपिटल ए। ये दे रखा है, जनरली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला ये चैप्टर है इसमें जनरली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप ये देखिएगा, सबसे पहले वो बोल रहे हैं स्टेट वेदर कैपिटल ए इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो आप ये देखिएगा कि ग्रुप कितने होते हैं टोटल, ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जितना मैं राइट की तरफ चलता जाता हूँ, राइट में जो ये होते हैं आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 को छोड़ दो, 1 और 2 में तो होते हैं मेटल्स, उसके बाद जो बीच के ग्रुप है वो सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। और जो राइट में आ जाते हैं ना 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे नॉन मेटल, इनमें कुछ मेटालॉइड्स होते हैं है ना, कुछ एलिमेंट्स मतलब 2-3 एलिमेंट्स होते हैं तो मेटालॉइड, बाकी सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो स्टेट वेदर कैपिटल इज अ मेटल और नॉन मेटल, भाई ग्रुप नंबर 17 में लाई कर रहा है, तो ग्रुप नंबर 17 जो है वो कहाँ पर है, टू द वेरी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये पार्ट में ही लिखेंगे, वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ, वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर non-metals, so capital A is a non-metal, capital A is a non-metal, ठीक है। जो बच्चे यहां बैठे हैं वो भी देख लें, और जो ऑनलाइन है उनको भी मैं एक बार दिखा देता हूं, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल देख लीजिए यहां पर, इसमें देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये क्या है, लाइट मेटल्स, बीच वाले जितने भी हैं वो क्या है, हैवी मेटल्स, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये सारे के सारे, 18 को छोड़ दीजिए बस, 13 से लेकर 17 तक ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स, बस ये जो बीच में अलग कलर है ये वाले मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए सभी बच्चे, यहाँ पर ये सारे के सारे तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 वाले लाइट मेटल्स हो गए, ये बीच वाले क्या हो गए, हैवी मेटल्स, और ये वाले सारे के सारे 13 से लेकर 17 तक ये सारे हो गए नॉन मेटल्स, 18 बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये बीच वाले हैवी मेटल्स हो गए, इधर वाले जो दो ग्रुप है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये लाइट मेटल्स, ऊपर लिखा हुआ लाइट मेटल्स, और ये वाले जो है नॉन मेटल्स, इसमें जो ये अलग कलर है ये वाले सिर्फ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 के तो सारे के सारे नॉन मेटल ही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद देखेंगे जी बी पार्ट, बी पार्ट में देखिएगा, स्टेट वेदर कैपिटल सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन कैपिटल ए। हमें ये पता है कि ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 मतलब नॉन मेटल्स का ग्रुप, नॉन मेटल्स के ग्रुप की जरा प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल रिएक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी में ये था कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स जो है, मेटल्स का मेटालिक करेक्टर ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, मेटल्स का मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बताओ कुछ पूछ रहे हैं ना, मेटल्स का मेटालिक करेक्टर ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है, भाई याद है कि नहीं, तो करवाया। और नॉन मेटल्स का नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये ए है और ये सी है, तो वो खैर सी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जब नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो उसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जब डिक्रीज होगी तो इसका मतलब हमारा सी जो है वो लेस रिएक्टिव होगा, वो पूछ रहे हैं कि मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, लेकिन सर सी की वो तो गलत है, कौन सा एलिमेंट है वो ऊपर दे रखा है, यस सर नीचे दे रखा है ना, मतलब नीचे ए के नीचे, ए से कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से वो पूछ रहे हैं कि सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, सही है, किसी को कोई डाउट है बताइए,
ये है द केमिकल रिएक्टिविटी, मैं लिख रहा हूं यहां पर सेंस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है. तो जब केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है तो फिर सी तो लेस रिएक्टिव हो गया ना, देयरफॉर सी विल बी लेस रिएक्टिव देन ए. ए के कंपैरिजन में सी होगा लेस रिएक्टिव. अब आ जाइए स्मॉल सी, थर्ड पार्ट. विल कैपिटल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी. अब बी और सी का कंपैरिजन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली कंपैरिजन हो रहा है, वर्टिकली नहीं. पहले ए और सी का कंपैरिजन हो रहा था वर्टिकली, तो वर्टिकल आर ग्रुप्स. अच्छा एक चीज याद रख, कई बार जो है ना हम भूल जाते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. एक कंपनी है जो ये लैपटॉप बनाती है एचपी, है ना. तो एच फॉर हॉरिजॉन्टल, पी फॉर पीरियड, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, ठीक है. बीजी मतलब वेरी गुड, बीजी मतलब वेरी गुड, है ना. तो वर्टिकल ग्रुप्स सही है. तो कुछ भी आप, कुछ भी जो आपको जुगाड़बाजी दिमाग में आए, क्योंकि कई चीजें ऐसी है ना, कई चीजें कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार. अगर कोई आदमी उसको ये बोल दिया जाए कि भाई तुझे मैंने रंगों की पहचान आज ही करवाई है, किसी को रंगों की पहचान नहीं है, उसको आज ही रंगों की पहचान करा दी, बट बेटा ये लाल होता है, अच्छा हाँ ये लाल होता है, याद कर लिया, लाल है लाल है लाल, दो तीन देख लिया हम, ये भी कर लिए, लाल है बेटा, ये हरा होता है, अच्छा ये भी हरा, हाँ ये पत्ता भी हरे रंग का, ये भी हरे रंग का, ठीक है ठीक है. वो सारी चीजें तो उसने देख ली, फूल भी देख लिया लाल रंग का होता है, वो देख लिया पत्ते देख लिए हरे रंग के होते हैं, सब्जियां हरे रंग की, टमाटर लाल रंग का. तो लाल और हरे को उसने अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन उसे ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती और हरी बत्ती में अंतर नहीं पता था. हो गई लाल बत्ती, समझ रहा है कि हरी हुई है ना, और भगा दी गाड़ी और ठोक दिया, ठीक है ना. तो ये दो चीजों में जो कंपैरिजन होता है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, और मोस्टली बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं. पीरियड में ग्रुप की प्रॉपर्टी घुसा देंगे, ग्रुप में पीरियड की प्रॉपर्टी, और कहेंगे सर मैं तो बहुत बढ़िया करके आया हूँ, पता चला पांच नंबर का क्वेश्चन था वो पांच तो बन गए. तो इसलिए ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं. एचपी कंपनी होती है ना लैपटॉप की, तो एचपी मतलब एच फॉर हॉरिजॉन्टल एंड पी फॉर पीरियड, ठीक. बस इतना ही याद रख लो, बाकी को छोड़ो. जब हॉरिजॉन्टल पीरियड है तो ग्रुप तो वर्टिकली होगा, समझ गए. तो मैं कंपैरिजन किस में कर रहा था, मैं कंपैरिजन ऐसे कर रहा था वर्टिकली, यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए फिर मेरे को सारी. अब बी और सी में मैं कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल मतलब पीरियड, तो पीरियड की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए. और क्या पूछ रहे हैं थर्ड पार्ट में, कि लार्जर और स्मॉलर, यानी कि एटॉमिक साइज की बात हो रही है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. On moving from left to right in a period, atomic size decreases. तो वो लोग पूछ रहे हैं कि C जो है वो बड़ा है या छोटा है? तो सीधी सी बात है, C तो छोटा है भाई, क्योंकि C right में मतलब छोटा, decrease हो रहा है atomic size. सर आपने सर starting से मेरा कुछ कहा था, मतलब कुछ starting है तो मतलब उसका group 17 का मतलब इसका जो outer most shell में जो electron है, valence electron, वो 7 होगा. जैसे group 1 है तो बस अभी आपको मैं बता रहा हूँ ग्रुप कैसे याद रखने है. जैसे कि ठीक है, फिर भी सुनो मैं एक बार दोबारा सभी को बता देता हूँ, याद रखना भाई ग्रुप्स में जो हम गिनती याद रखने हैं ना, वो गिनती ग्रुप्स में कैसे याद रखनी है. ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फिर ग्रुप 13 पर आ जाना सीधा. मतलब गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगी, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बीच का गायब कर दो. हैवी मेटल नहीं है सिलेबस में, तो हैवी मेटल हटा दो बीच के, वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो आप 12 तक सब गायब कर दो, वो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे, समझ गए. तो ग्रुप हमारे 1 है तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7,
18 की बात क्यों नहीं करती नोबल गैसेस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे स्टेबल बैठे हैं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करना, कुछ नहीं, मस्त बैठा है, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस वाला 18 उसको तो छोड़ दो, ठीक। अब जरा देखिएगा, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, तो ये आपने देख लिया। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो C will be smaller than B. अब आ जाओ बी पार्ट पर। बी पार्ट पर क्या पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A, ऐसे बता दो। एनायन बिकॉज नॉन मेटल है, ये बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 साथ है, तो उसको तो एक इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, और जो लेता है वो भिखारी होता है, भिखारी होता है नेगेटिव, भिखारी होता है नेगेटिव, जो देता है वो महान है, महान है तो पॉजिटिव, तो वो कैटायन हो गया, बस ये याद रखना। इसको क्या चाहिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा भाई देते एक इलेक्ट्रॉन, है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब एनायन, ठीक। तो डी पार्ट जो है, डी पार्ट में सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, एनायन, एनायन में क्या लिखेंगे, Sensitive accepts one electron. That AB9 or BB9? Yes. A or C? BB9. So, anion. Sir, agar maine likh diya ki A is a metal, that's why it's made. Anion metal nahi hota, non-metal hota. Non-metal bola, haan, sorry, non-metal, sorry, non-metal. Wo non par mic off ho gaya hoga? Nahi sir, sorry, galti se wo se nikal gaya. Achha, achha. Sensitive accepts one electron. One electron, so it is an ion. It is an ion. उसके बाद देखते हैं जी, चल लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ नोट कर सकते हो, नहीं जो मैंने बोला कि सिंस ए इज अ वो मेटल, मेटल वाला नहीं, नॉन मेटल वाला, हां नॉन मेटल वाले, नॉन मेटल एनायन ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अगला देखिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। हां पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बड़े क्वेश्चन आते हैं, पांच नंबर वाले हैं। हाँ जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, एटॉमिक रेडियाई द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोज Na, Na मतलब सोडियम, ये दे रखा है 186 पिकोमीटर। अगला है लिथियम 152 पिकोमीटर, लिथियम Li 152 पिकोमीटर। अगला है रुबिडियम Rb 244 पिकोमीटर। अगला है सीजियम 262 पिकोमीटर। अगला है पोटेशियम
31 picometer. A part arrange these elements in the increasing order of their atomic radii. A part arrange these elements in the increasing order of their atomic radii. In the increasing order of their atomic radii in a vertical column. Very good one. Good one. In a vertical column. ये part तो ये है. बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा है विच एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम्स. विच एलिमेंट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम्स. सी पार्ट है from this data infer 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 how the size of elements for how the size of element vary as we go down in the group. ठीक है, अब जो देखिए होगा, एक तो वैसे ही बता दो कि अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप की, तो ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो घटता है या बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ? सर बढ़ता है, क्योंकि कोई भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? एक नई शेल में. तो जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो हर स्टेज पर एक नई शेल ऐड हो रही है. तो जब नई शेल ऐड हो रही है तो इसका साइज बढ़ेगा. ठीक है, कल ही बताई थी प्रॉपर्टी. ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, अब जरा देखिएगा इन्होंने क्या कहा. ये सारे के सारे इनके ना एटॉमिक रेडियस दे दिए. जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक रेडियस हो गया 186 picometer, लिथियम का 152, रुबिडियम का 244. तो ये इन्होंने इस तरीके से हमको एटॉमिक रेडियस दे दिया सबका अलग. मैं पहले से ही जानता हूँ कि जो ग्रुप है, ग्रुप में जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि लगातार एटॉमिक साइज बढ़ता है ग्रुप में जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ. ठीक है, अब जरा देखना जो जो चीज इन्होंने पूछी है, अगर आपको प्रॉपर्टी कभी के तभी याद आ गई तो फिर आपको हर पार्ट आसान लगेगा. फिर फ्री के नंबर है इस चैप्टर में. पीकोमीटर क्या होता है ना, जैसे एक चीज बता दो आपको कुछ ना, मतलब प्रीफिक्सेस जो है, जैसे मान लो मीटर है, तो अब ये बताओ कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 meter. चलो जी, ये तो बहुत कॉमन है, सब बताएंगे, है ना. अब इसको एक अलग तरीके से समझते हैं इसी चीज को. एक किलोमीटर में 1000 meter होते हैं. दोबारा लिखो, 1 kilometer इसको क्या लिख दूं, 10^3 लिख दूं, 10^3 meter, है ना. ये जो अक्षर होता है ना, ये जो अल्फाबेट होता है, K for किलो, किलो का मतलब ही 10^3 होता है. किलो का मतलब 10^3. तो अब 1 kilometer को दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि 1 kilometer को हम क्या लिखेंगे. K का मतलब होता है 10^3. 1K इसका मतलब क्या है, 1 और K मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 1 into 10^3 meter, ये 1000 meter ही तो हो गया.
ये 1000 मीटर ही तो हो गया। 11th क्लास में सबसे पहले फिजिक्स में यही चीज पढ़ाई जाती है कि हर एक अल्फाबेट का अलग एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ मिलीमीटर, है ना, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इस मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। 1 × 10 की पावर -3 मीटर, बिल्कुल सही। 1 मिलीमीटर क्या हो गया, 1/10³ मीटर। इस 10³ को इधर ले आओ तो 1 मिलीमीटर × 10³ इज इक्वल टू 1 मीटर। इस वजह से बोला जाता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो जो ये शब्द हैं इनका सबका मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पीको है ना, पी इज फॉर पीको, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। तो अगर 186 पीको मीटर है तो इसका मतलब 186 पीको मीटर, पी का मतलब हो गया 10 की पावर -12। तो ये हो गया 186 × 10 की पावर -12 मीटर, सिंपल। तो आपको ये जो अल्फाबेट्स हैं बस इन अल्फाबेट्स की वैल्यू याद करनी होगी, अभी नहीं, ये तो अगले साल करना है। अल्फाबेट्स की वैल्यू याद करनी है और वैल्यू याद करते ही फिर आप किसी भी यूनिट को कहीं पर भी चेंज कर दीजिए। किलोग्राम और ग्राम को भी करने की कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होगा क्योंकि 1 kg, जी को हटाओ, जी फॉर ग्राम, और के का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3। तो 1 किलोग्राम क्या हो गया, 1 × 10 की पावर 3 यानी कि 1000 ग्राम। तो जहां जहां भी किलो आएगा, के जहां पर भी आएगा 1000 लगा दो बस, मिली जहां पर भी आएगा 10 की पावर -3 लगा दो। ठीक है, ऐसे ही सेंटी जहां पर भी आएगा 10 की पावर -2 लगा दो। हेक्टा नहीं, हेक्टा में 10 की पावर 7 आता है, हेक्टा में 10 की पावर 7 आता है। किलोमीटर के बाद हेक्टा में, सुनो सुनो सुनो, तुम हेक्टेयर में कंफ्यूज हो रहे हो शायद। हेक्टामीटर क्या है, हेक्टामीटर का टेबल करी होगी मुझे ध्यान। ठीक, तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि पीकोमीटर का मतलब क्या है, 186 × 10 की पावर -12 मीटर। ये तो अब बिल्कुल सिंपली आप इसको देखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ उधर से। अब आप देखिए जो ए पार्ट है, ए पार्ट में है अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगाने में कोई बात ही नहीं है, है ना। अब क्या करेंगे, ए पार्ट में सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, 186 दिखाई दे रहा है, नहीं 152। लिथियम का कितना हो गया, 152 पिकोमीटर, उससे बड़ा सोडियम 186, उससे बड़ा 186 से बड़ा क्या है 231, रुबिडियम 231, उससे बड़ा क्या है, नहीं सॉरी पोटेशियम, उससे बड़ा है रुबिडियम, ये हो गया 244, और उससे बड़ा है सीजियम 263 Cs। ठीक है, तो ये हमने किस ऑर्डर में लगा दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। फिर वो बोल रहे हैं विच एलिमेंट है द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम, वही सबसे पहले वाला जो है ये तो सबसे छोटा एटम है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस इतना छोटा है और इसका सबसे बड़ा है। तो बी पार्ट में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एटम किसका होगा, लिथियम का। लिथियम और लार्जेस्ट सीजियम, इसी पार्ट देखिए, फ्रॉम दिस डेटा इनफर हाउ द साइज ऑफ एलिमेंट्स वेरी एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे तक तो क्या होता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस
ये करने के बाद एक और क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। इसमें है टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टू एलिमेंट्स ए एंड बी टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड belong to the third period of modern periodic table, third period of modern periodic table and are in group 2 and 13 respectively and are in group 2 and 13 respectively. Compare their following characteristics in tabular form. Hydrogen. First period matlab hydrogen aur helium. Compare their following characteristics. Characteristics in tabular form. हाँ टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा और छह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्होंने दे रखी है। पहला है नंबर ऑफ, क्वेश्चन नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, करना कैसे मैं बताऊंगा, पहले फटाफट नोट कर दो सभी बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दूसरा है साइज ऑफ देयर एटम्स, तीसरा है देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, the formula of their oxides, पांचवा है their metallic character, और छठा है ना फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स, द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स। अब देखिएगा क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप ये देखिए कि
two elements A and B belong to the third period of modern periodic table and are in group 2 and 13 respectively. ठीक है, थर्ड पीरियड में है और ग्रुप 2 और 13 है. इसका मतलब पहले ना मैं समझने के लिए एक छोटी सी पीरियडिक टेबल बना लेता हूँ. ठीक है, और मुझे थर्ड पीरियड तक जाना है तो पीरियडिक टेबल मैं ऐसे बनाऊंगा, तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्टीन ग्रुप. मैंने बीच के गायब कर दी, मुझे जरूरत नहीं है उनकी. थर्टीन फोर्टीन बिल्कुल हाँ, पीरियड वन, पीरियड टू और पीरियड थ्री, ये सबसे ऊपर हो गया हीलियम, ये सबसे ऊपर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड. दूसरा जो पीरियड है, दूसरा पीरियड में जानता हूं क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन. हाँ ठीक, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन. ठीक है, ये मैंने बना लिया अपने समझने के लिए. अब उसके बाद मुझे क्या काम करना है, आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं थर्ड पीरियड में एंड बिलोंग टू एंड आर इन ग्रुप टू एंड थर्टीन रिस्पेक्टिवली. तो थर्ड पीरियड तो फिक्स हो गया, ग्रुप टू और थर्ड पीरियड यानी कि मैग्नीशियम, ग्रुप टू और थर्ड पीरियड, पीरियड तो फिक्स है ना. उन्होंने बोला टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आर इन ग्रुप टू एंड थर्टीन रिस्पेक्टिवली. तो एक तो मैग्नीशियम है भाई और एक एल्यूमिनियम. अब ये मुझे पता चल गया, ये मुझे पता चल गया, मैंने रफ में बना लिया पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा मैग्नीशियम को ए और इसको मैं बोल दूंगा एल्यूमिनियम को बी. ए और बी हो गया, यही तो बोला है मैंने. बताइए बेटा सबको क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए. यस सर. भाई बाकी बच्चे बता दो, आस्था, भव्या, दुषी, रुद्रांश, दिवस. यस सर. ठीक है, चलिए जी. अब जरा देखिएगा, अब ये क्या पूछ रहे हैं. अब ये कहते हैं कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म. फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स. आपको ए में बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और बी में बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. बिल्कुल आराम से बता देंगे. नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, कम और ज्यादा बता नहीं. उन्होंने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म. तो आपको ये बताना है कि ए में कितने और बी में कितने, कंपेरिजन हो जाएगा दोनों. ठीक है, समझ गए. तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, तो ये काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बारह. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स. भाई हम हा ही लिबेब कम ऑफ नी ना मगा सिर्फ सकल हर, हम इस तरह से क्यों करते हैं पीरियोडिकली याद क्यों करते हैं. पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीरियड के हिसाब से याद करी जाती है वो.
और जब पीरियड के हिसाब से याद करते हैं तो एटॉमिक नंबर लाइन से ही बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते हैं। तो हम सिक्वेंसली सिक्वेंशियली क्यों याद करते हैं, क्योंकि गिनती तो हमें याद है, तो हम खुद काउंट कर लेंगे, ली बे ब का नॉफ कौन से नंबर पर आ रहा है, क्लोरीन कौन से नंबर पर आ रहा है, नौवे नंबर पर, नौवे नंबर पर आ रहा है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 9th हो गया, ठीक है। तो वही चीज है, ए कौन से नंबर पर आ रहा है, ए आ रहा है 12वें नंबर पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी इज 13, ठीक है। रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज ए कम्स, ये मालूम है पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही जैसे यहाँ पर मेरे को पता था कि ग्रुप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें पीरियोडिक टेबल मालूम है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, पूछा जाएगा तो कहेंगे, हम तो ये कहेंगे बिकॉज पीरियोडिक टेबल में वो 12वें नंबर पर आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 12, वो 13वें नंबर पर आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। मोरओवर हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप टू में है तो ग्रुप टू के जो एलिमेंट है ग्रुप टू और पीरियड थ्री के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 ही होता है, तो हम कहेंगे A comes in group 2 and period 3. So its atomic number is 12. Similarly, B comes in group 13 and period 3, section clear, na? Yes. So its atomic number is 13. Chalo ji, second part par aa jao. Second mein hai size of their atoms. Size of their atoms, seedhi seedhi baat hai. Main A aur B ko fir periodically compare karunga na. So periodically kya hota hai? On moving from left to right in a period, size of atoms, atomic size decreases. So हम ये कहेंगे size of their atoms, हम ये कहेंगे on moving from left to right in a period, atomic size decreases, so A is smaller than B. B is smaller than A. ठीक है जी, ये हो गया हमारा second part. उसके बाद third part देखिएगा. Third में है their tendency is to lose electrons. Their tendency is to lose electrons. तो आप ये देखो भाई, B A जो है, A का एटॉमिक नंबर क्या है, A का एटॉमिक नंबर है कितना, 12, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, B का एटॉमिक नंबर है 3, इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज इजी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान है, 2 को तो ऐसे ही लात मार दी, ठीक है, निकल जाएंगे दोनों बाद, वो तीसरा भी आ गया तो तीसरे को थोड़ा पुश करना मुश्किल होगा ना, दो को पुश करना आसान होगा, ठीक। तो अब थर्ड पार्ट में हम ये कहेंगे ए हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल बी हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, B has 3 valence electrons in its outermost shell. In its outermost shell, so
he has greater tendency. To lose electrons. Here we fourth part the formula of their oxides. Fourth part है मैं जानता हूँ ये मैग्नीशियम है मैं ये भी जानता हूँ ये एल्यूमिनियम है लेकिन इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देना जब ये ए और बी बोल रहे हैं हम ए और बी बोलें ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना वहाँ तो पता चल गया मेरे को तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम नहीं ए और बी बोलेंगे तो हम कहेंगे भाई ए के आउटर मोस्ट शेल में दो है दो वैलेंसी बता दो ए की क्या होगी वैलेंसी ऑफ ए इज प्लस प्लस हो गया ठीक है भाई आउटर मोस्ट शेल में दो है तो दो तो आराम से डोनेट कर देगा वैलेंसी ऑफ बी ये क्या हो जाएगा प्लस तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू माइनस तो इसका मतलब एज ऑक्साइड ए का ऑक्साइड क्या हो जाएगा ए की वैलेंसी टू प्लस ओ की वैलेंसी टू माइनस इसको इसके साथ और इसके साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा ए सही है ए ओ भाई ए की वैलेंसी टू प्लस है तो वो दो डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन की तो जब जाहिर है टू माइनस होती है तो इसका टू इसके साथ लिख दिया इसका टू इसके साथ लिख दिया टू से टू कैंसिल आउट हो गया ए टू ओ टू टू लिख दिया और ये चीज अभी आपको इसका समझ में आ जाएगी और सेम नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बीज ऑक्साइड बी की वैलेंसी कितनी है थ्री प्लस और O की वैलेंसी कितनी है टू माइनस क्या हो जाएगा B को तो इसके साथ लिख दो टू को इसके साथ लिख दो B टू और थ्री लगे हाथ एक काम और कर लो आप अभी पांचवा पार्ट छोड़कर छठे पार्ट पर आ जाओ वो क्या कह रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स है ना तो फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स तो पहले छठा पार्ट कर लो तो फिर छठे पार्ट में मैं बोलूंगा वैलेंसी ऑफ क्लोरीन माइनस बिल्कुल सही ठीक जब ए के साथ करेंगे तो एज क्लोराइड ए का क्लोराइड क्या होगा बोलो ए की वैलेंसी टू प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी वन माइनस वन को इसके साथ लिखो टू को इसके साथ लिखो क्या आ गया ए सी एल टू बी का क्लोराइड बोलो कहां से आ गया ठीक है ये हो गया बताइए जी रुद्रांश निकुंज श्रीजा क्लियर है ठीक है चलिए जी अब इसके बाद जरा देखते हैं इसका पांचवा रेयर मेटालिक कैरेक्टर ये तो ऐसे ही बता दो मुझे मेटालिक करेक्टर क्यों क्योंकि ए और बी है तो ए और बी का मतलब क्या है कि भाई पीरियड की अगर बात करेंगे भाई ए और बी दोनों कहां लाई कर रहे हैं थर्ड पीरियड में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड मेटालिक करेक्टर तो वो नॉन मेटालिक करेक्टर पूछते हैं तो वो इंक्रीजेस हो जाता है ये ऐसे ही घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन देंगे नहीं ग्रुप में मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है एक बार दोबारा से करना प्रॉपर्टीज आज ही कर लेना तो सब बच्चों को अच्छे से याद हो जाएगा पांचवा इधर कर रहा हूँ ना ऊपर अच्छा जो 4 बजे वाला बैच है उसका तो कल 4 बजे रखूंगा टाइम आप लोग ये बता दो आप लोग सुबह आ सकते हो क्या कल अगर स्कूल की छुट्टी है तो मेरा होगा आज
तो मैं देखता हूँ तुम्हें, तो कल फिर इस वाले बैच का टाइम जो है ना वो मैं दोपहर का रखूंगा, 1 बजे का या 2 बजे। सर एक बिरयानी तो दो कर दो, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 2 बजे का अगर कर दो तो चलेगा ना सभी को? तो ऐसा करूंगा क्योंकि वो जो दूसरा बैच है, दूसरे बैच का टाइम मैं 4 बजे का, 3 बजे का कर दिया जाएगा। मैं वही सोच रहा था कि अगर 2 लगातार कर दूंगा मैं, 3 से 4 कर दूंगा टाइम, तो वो ज्यादा बेटर रहता, उससे ये हो जाएगा। अगर किसी को दोनों बैच, कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ उस बैच में आते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ इसमें, और कई ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, तो अगर किसी को दोनों में आना है तो एक बार में आकर उसका काम चल जाएगा। ये बोर हो जाओगे लगातार तो नहीं, तो बीच का 1 घंटा तो बर्बाद हो जाएगा ना। सबसे बढ़िया मैं आइडिया, जैसे 8 से 9 बैच खत्म होता है तो कुछ बच्चे जो है वो 9:30-10 तक भी घर नहीं पहुंचते। मेरी बात सुनो सर, 2:30 बजे से सर सर फोन आ गया था, समझा करो बात को। मैं कह रहा हूँ 2:30 बजे से 3:30-1 रख लो, फिर आधे घंटे बाद 4 बजे रख लेना सर। सर एक बार और भी तो आपने घर में खा पी का पीरियड क्या है पांचवें में? मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस। Metallic character decreases. So A is more metallic than B. A is more metallic than B. ठीक है जी, बस इतना ही करते हैं और कल फिर 3 से 4, 4 से 5 ही रखेंगे लगातार। Yes sir.